श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, जहां से शुरुआत होती है बच्चे के उज्जवल भविष्य की। श्री कृष्णा स्कूल ने दिए हैं बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सैनिक, वैज्ञानिक, अध्यापक और इसके साथ साथ ही प्रशिक्षित कोच और बेहतरीन खेल सुविधाएं। श्री कृष्णा स्कूल है महेंद्रगढ़ का एकमात्र सेल्स स्मार्ट स्कूल। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो आइए हमारे साथ एक नई शुरुआत के लिए श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें 9017111100, 9416704560। हमारी वेबसाइट है www.sks.edu.in। महेंद्रगढ़ में गौतम बुद्ध कराटे एकेडमी के बच्चों ने 2 गोल्ड मेडल एवं 6 सिल्वर मेडल लेकर अपने देश का नहीं बल्कि क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे श्री कृष्णा स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर करमवीर राव ने बताया कि आज बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमें इन बच्चों एवं इनके परिवार पर बहुत गर्व है, जो अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे रखते हैं। वहीं आज गौतम बुद्ध कराटे एकेडमी में मुख्य अतिथि MD करमवीर राव का फूल मालाओं से स्वागत किया गया एवं करमवीर राव ने बच्चों को गोल्ड एवं सिल्वर मेडल पहनाकर और अपनी तरफ से बच्चों को 5100 रुपए सम्मान के रूप में देकर सम्मानित किया। इधर कराटे में जीत कराए खिलाड़ियों का उत्साह जबरदस्त बन रहा था और वह DJ के साथ अपना विजय जलूस निकालते हुए पूरे शहर से होते हुए अपने घर तक पहुंचे। कोच लोकेश सैनी ने बताया कि हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे महेंद्रगढ़ शहर के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। इस मौके पर वहां उपस्थित लोग श्री कृष्णा स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर करमवीर राव, सावत राम सैनी, देवेंद्र सैनी, कृष्ण सैनी एवं अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कहाँ पर गेम हुए थे, कौन से एकेडमी के बच्चे हैं? ये आगरा में हुए थे, मानसिंह प्लेस में। तो हमारे यहाँ से 8 बच्चे गए थे, तो जिसमें से 7 बच्चों ने मेडल लिए, तो 6 बच्चों के सिल्वर मेडल आए, 2 के गोल्ड मेडल आए। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से सभी बच्चों के खेल में भाग लेना चाहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम रमनदीप है। जैसे कि कहाँ पर गए थे आप खेलने और कौन सा मेडल आपको मिला? आगरा में गए थे, सिल्वर मेडल आया है। जैसे आप अभी, जैसे आपने सिल्वर मेडल लिया है, तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। जो और खिलाड़ी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ऐसे कहना चाहते हैं कि पढ़ाई और खेलों में सब अच्छे तरीके से खेलें और पढ़ें। ठीक, खेलों के लिए। तो आज के समय में क्या है इसको लेकर? देखिए, हर चीज़ की अपनी जगह पे एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। गेम्स की अगर बात करें तो गेम्स अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। हम ये चीज़ देखते हैं कई बार कि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उनका गेम अच्छा होता है और उस गेम की सर्टिफिकेट के बल पे वो बच्चे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेते हैं और उनका जो सिलेक्शन है वो सरकारी नौकरी में भी हो जाता है। तो पढ़ाई और गेम दोनों अगर पैरेलल चलें तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा बेटर हो सकता है एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। कराटे जो खिलाड़ी आए हैं, उनका जो फंक्शन यहाँ पहुँचे, क्या संदेश? सबसे पहले तो मैं एकेडमी के संचालक को बधाई देता हूँ बहुत बहुत कि बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी इन्होंने करवाई कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर यहाँ के बच्चे मेडल जीत रहे हैं। और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि इनके मेडल आए। सभी के माता पिता को, सभी बच्चों को और इनके कोच साहब को, सभी को बहुत बहुत बधाई।